स्पेशल भजन डिस्कस करेंगे। वासुदेव घोष जो कि राइटर हैं श्री चैतन्य महाप्रभु के एक भक्त हैं, जिन्हें वासु घोष भी कहते हैं, और हमारे गौर आरती में भी आप गाते हैं ना वासु घोष आदि गाए, तो वासु घोष जो हैं ये चैतन्य महाप्रभु के बड़े अच्छे भक्त थे। और ये इनके दो भाई थे, एक का नाम गोविंद था और एक का नाम माधव था। और ये चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के साथ उनके बहुत ही क्लोज भक्तों में से थे और हमेशा माधुर रस में रहा करते थे। उनका जो भजन है वो एक माधुर रस के स्तर पर था। माधुर रस का मतलब है कि संसार में तीन प्रकार के भगवान के नाम हैं। एक गौण नाम है जैसे भगवान, ऊपर वाला, ऐसे जल्दी बोल लोग बोलते हैं गॉड, ये गॉड नाम है, जनरली पीपल कॉल गॉड नाम। एक है मुख्य नाम जैसे गोविंद, श्याम सुंदर, माधव, ये भगवान के मुख्य नाम है। और एक है माधुर्य नाम, माधुर्य यानी कि भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी के प्रेम को प्रकट करने वाला माधुर्य नाम, जो है केवल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। तो जो ये वासुदेव वासु घोष थे ये माधुर रस में रहा करते थे और सदा इनकी अधिष्ठात्री आराधिका पूजनीय योग जो माता हैं वो हैं श्रीमती राधा रानी। इन्होंने श्री कृष्ण का भजन इसलिए किया क्योंकि श्री राधा रानी इनकी अधिष्ठात्री, और स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु का भजन इसलिए करते थे क्योंकि चैतन्य महाप्रभु राधा रानी का भाव लेके आए थे, इसलिए राधा रानी का भाव प्रकट करते हैं। तो ये राधा रानी के भाव में माधुर रस में इनकी आश्रय विग्रह श्रीमती राधा रानी थी। ये जब भी भजन गाया करते थे बड़े सुंदर सुंदर चैतन्य महाप्रभु के लिए और डांस किया करते थे। हर वर्ष बंगाल से चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए जगन्नाथपुरी आते थे क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के 48 वर्षों की लीला में से 24 वर्ष सन्यास के बाद और 24 वर्ष सन्यास से पहले, तो 24 सन्यास के बाद की जो है उसमें से 6 वर्ष तो दक्षिण भारत की यात्रा चल रही थी, रामेश्वरम और तिरुचनापल्ली और जितने भी हैं मदुरई आदि, मीनाक्षी मदुरई, भगवान यहाँ सब ट्रेवल कर रहे थे। और कुछ 2 महीने के करीब उन्होंने वृंदावन यात्रा करी है और बाकी के जो 18 वर्ष हैं वो जगन्नाथपुरी में रहे महाप्रभु संन्यास के बाद, जिन्होंने जिसमें उन्होंने राधिका राधा रानी के उस विरह को प्रकट किया जगन्नाथ भगवान के पास प्रति। तो चैतन्य महाप्रभु को कृष्ण विरह ठाकुर कहते हैं और जगन्नाथ जी को राधा विरह ठाकुर, क्योंकि एक राधा रानी के विरह में रो रहे हैं और एक कृष्ण के विरह में राधा रानी रो रही हैं, तो ये दोनों, इसीलिए उन्होंने जगन्नाथपुरी को चुना और उस स्थान पे महाप्रभु रहते थे। तो हर साल वासु घोष बंगाल से, मायापुर से, नवदीप से चलकर आया करते थे मिलने के लिए चैतन्य महाप्रभु से। और बहुत बड़ा सा ग्रुप जो होता था वो उसको लीड करते थे और उस जैसे रथ यात्रा में 7 अलग अलग समूह कीर्तन करते थे रघुनाथ जगन्नाथ भगवान के, तो उस समूह में वासु घोष एक के लीडर कीर्तनिया होते थे और महाप्रभु हर ग्रुप में नृत्य करते थे। और कभी कभी ऐसी अद्भुत लीला होती थी कि महाप्रभु 7 ग्रुप में जगन्नाथ भगवान के होते थे। 7 ऑफ द ग्रुप सेज कि भाई हमारे साथ थे महाप्रभु पूरा टाइम, करें हमारे साथ थे, हमारे साथ थे। महाप्रभु जब जगन्नाथ भगवान के कीर्तन के नृत्य करते थे तो उनके आंखों से जैसे हमारे पसीने निकलते हैं जैसे खून की धारा निकलती थी, अश्रु के साथ साथ ब्लड निकलता था। और महाप्रभु ऐसे जैसे सुदर्शन चक्र की तरह आकाश में जाते थे और फिर नीचे आते थे, तो जब वो निकलेगा आंसू तो ऐसा होता था जैसे स्प्रिंकलिंग की जा रही है खून की सबके ऊपर, कुछ कुछ स्पॉट्स गिरते थे सब पर कि महाप्रभु का हमें रक्त मिला है, इतना क्रंदन करते थे जगन्नाथ भगवान के लिए, इतना, क्योंकि राधा रानी का भाव है। जगन्नाथ जी कहाँ जा रहे हैं? वृंदावन जा रहे हैं रथ यात्रा के समय, तो राधा रानी बड़े 100 वर्ष का विरह अनुभव कर रही कि अब कृष्ण मुझसे मिलेंगे, तो कितना रोना आएगा। एक तो होता है याद में रोना और एक होता है मिलने पर रोना। तो यहाँ चैतन्य महाप्रभु पहले रोते थे अलग होने पर, लेकिन जब रथ यात्रा में चल रहे हैं
तो महाप्रभु सोच रहे हैं आप कृष्ण मुझसे मिलेंगे, राधा रानी से मिलेंगे, तो चैतन्य महाप्रभु उस भाव में कृंदन में नृत्य कर रहे हैं। तो सोचिए कैसा उनका उत्कृष्ट कृंदन होता था। तो इस प्रकार से वसुघोष एक को लीड करते थे, तो उन वसुघोष ने एक भजन गाया चैतन्य महाप्रभु के लिए। कई बार लोग बोलते हैं राधा रानी तो भागवत में नहीं है, राधा रानी तो गीता में नहीं है, इस्कॉन वालों ने ना राधा रानी का ये चरित्र जो है अपनी इच्छा से क्रिएट कर लिया है, मनोकल्पित है राधा रानी का। कई सारी संस्थाएं केवल कृष्ण भजन करती है, और कई मंदिरों में केवल कृष्ण डीटी मिलेंगे, राधा रानी का डीटी विग्रह भी नहीं मिलते। तो लोग ये नहीं जानते हैं कि राधा भजन यदि मति नाही भेला, कृष्ण भजन तब अकारण गैला। एक भजन में कहा गया है कि राधा भजन यदि मति नाही गेला, अगर आपकी मति राधा रानी के भजन में नहीं लगी है तो कृष्ण भजन अकारण गैला, उसका कोई कारण ही नहीं मिला। और जो लोग राधा रानी को बता रहे हैं कि वो कल्पित हैं, वो तो फिर उनका तो अकारण चला गया भजन सारा का सारा। बोले गीता में कृष्ण थे, ये था वो था ऐसा था वैसा था, वो ये नहीं जान रहे हैं कि कृष्ण दो हैं, एक है वासुदेव कृष्ण और एक है वृंदावन के नंद नंदन कृष्ण। और जब वासुदेव जी कृष्ण को लेकर आए तो दोनों मर्ज हो गए थे, अक्रूर जी जब लेकर गए तो केवल वासुदेव कृष्ण को लेकर गए, वृंदावन के जो प्रिय कृष्ण है नंद नंदन कृष्ण है वो वृंदावनम परित्याजम एकम पदम न गच्छति, एक कदम भी वृंदावन से बाहर नहीं निकालते। लेकिन राधा रानी का संग सदा उनको पास है, लेकिन सूक्ष्म रूप में है। लेकिन श्रीदामा को प्रसन्न करने के लिए भगवान ने 100 वर्षों का विरह उत्पन्न किया ताकि श्रीदामा की बात झूठी ना पड़ जाए, जो राधा रानी का भाई है, कि सदा देखो तब राधा रानी के साथ ही ये रहते हैं, मेरे तरफ तो कभी ध्यान नहीं देते, मित्र मेरे हैं। इस भाव से वो दुखी रहते थे और उन्होंने कहा मैं तो कहता हूं श्राप देता हूं दोनों अलग हो जाए, 100 साल के लिए अलग रहेंगे तब पता चलेगा। तो उनकी बात को ऊपर रखने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने ऐसी लीला करी कि भगवान श्री कृष्ण अलग हुए। लोग बोलते हैं राधा रानी को छोड़कर चले गए, प्रेम नहीं था, प्रेम था तो ऐसा क्यों करते, कारण नहीं जानते हैं इसी कारण से ऐसी बातें सब लोग करते हैं। तो शास्त्र हमें बता रहे हैं कि भगवान कृष्ण जो भी लीला करते हैं उसके पीछे कोई ना कोई कारण है, सर्व कारण कारणम कृष्ण है। तो यहां पर एक भजन जो वासुघोष गाए हैं वो सब हम लोग अभी चर्चा करेंगे, जिससे और हमें क्लियर होता है कि राधा रानी के तत्व को कैसे समझें। तो ये भजन है यदि गौर ना हई तो, बंगाली भजन है, वासुघोष घोष बंगाली सरनेम है वासुघोष, लेकिन महाप्रभु के अंतरंग शिष्य हैं, वो गा रहे हैं। यदि गौर न है तो तबे की है तो, के मन धरे ताम देह राधार महिमा प्रेम रस सीमा जगत जानत के। यदि गौर न है तो तबे की होई तो, के मान धरी तम देह। यदि गौर ना है तो, यदि चैतन्य महाप्रभु राधा रानी का भाव लेकर के नहीं आते तबे की होई तो, तब क्या होता, के मान धरी त देह, ये संसार के लोग कैसे अपने प्राण को धारण करते, कैसे अपना जीवन चलाते। राधार महिमा प्रेम रस सीमा, सीमा यानी कि अनलिमिटेड, सीमा से परे राधा रानी का जो प्रेम है, आदि रूढ़ महाभाव, आदि रूढ़ महाभाव राधा रानी का प्रेम, ये जगत के इंस्टीट्यूट खोलकर स्वामी जी बनकर बैठ गए और राधा रानी को मनोकल्पित बोलने वाले, ये कहां धूत समझेंगे राधा रानी की महिमा कैसी है। केमन धरित देहल, प्राण धारण करना भी मुश्किल है, राधा की महिमा को समझना असंभव है, असंभव जैसा है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ना होते, अगर गौर ना होते, चैतन्य महाप्रभु ना आते तो राधा रानी की महिमा को कोई नहीं समझ सकता था। जगत है जाना थे के, जगत की गलती नहीं है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु को नहीं जानते इसलिए चैतन्य महाप्रभु कृष्ण को नहीं जानते। अगर आप टीवी सीरियल में भी जाएंगे ना
टीवी सीरियल में एक एपिसोड है कृष्णा सीरियल में, लोग टीवी सीरियल से बहुत सीखते हैं ना, जबकि नहीं सीखना चाहिए, पर अगर उससे भी सीखना चाहे ना तो नॉलेज की चीजें छोड़ देंगे और पकड़ेंगे क्या जो नॉलेज की नहीं है, नॉलेज की नहीं होती। उसमें दिखाया गया राधा रानी, मैं दिखा दूंगा वो एपिसोड आपको, आप भी देख सकते हैं। राधा रानी कृष्ण से कह रही है, टीवी सीरियल में है, कि कृष्ण आप जो हैं मुझसे कितना प्रेम करते हैं। बोले बहुत करता हूं। कह रहे जितना मैं करता हूं इतना तो मैं करती हूं, इतना तो आप करते ही नहीं हो। तो कृष्ण कहते हैं मैं एक बार आपके प्रेम का अनुभव करना चाहता हूं। तो कहती मत करिएगा क्योंकि इस प्रेम में बड़ी पीड़ा है, इसमें विरह है, इसमें मूर्छा है, और आप मूर्छित हो, आप पीड़ा में आए, ये मुझे पसंद नहीं है, इसलिए आप मेरी मेरा प्रेम मत लीजिए। तो कृष्ण कहते नहीं मैं एक बार तो लूंगा। कह रहे अरे आप तो श्याम सुंदर हैं, आप कहाँ राधा रानी का प्रेम लें। कह नहीं 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 मैं एक बार भक्त बनकर देखना चाहता हूं कि कृष्ण कैसे हैं जिसके प्रति दुनिया दीवानी है। तो राधा रानी कहती है कि ठीक है अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो करिए, आपकी आपकी बात को कौन, संकल्प को कौन काट सकता है। तो नारद जी वहां आते, नारद जी कहते सच में प्रभु आप राधा रानी का उस भाव लेंगे और फिर उस भाव के साथ आप प्रेम में कातर होकर रोते रोते कृष्ण कृष्ण पुकारेंगे, कितना अद्भुत स्वरूप होगा। भगवान उनको गोलोक में अपना रूप पूरा गोरा कर लेते हैं और वो स्वरूप दिखाते हैं। तो नारद जी पूछते हैं स्वामी श्याम सुंदर आप ये स्वर्ण वर्ण कैसे हो गए। तो राधा रानी कहती मैंने अपना स्वर्ण वर्ण जो है वो तप्त रंग इनको प्रदान किया ताकि जब ये मूर्छित होकर गिरे ना तो इनको कष्ट ना लगे, मेरी देह को कष्ट लगे। ये भाव है राधार प्रेम रस सीमा, उसको कौन जगत जानते कि जगत के लोग कैसे समझेंगे, जो पूजा पाठ वाले दिया अगरबत्ती करने वाले घंटी बजाने वाले वो कहां से समझेंगे राधा रानी की इस महिमा को। तो वासुघोष ने इस महिमा को समझाया, कहते हैं मधुर वृंदा विपिन माधुरी प्रेवेश चातुरी सार व्रज युवती भावेर भक्ति सकती होई तिकार। मधुर वृंदा विपिन माधुरी, तो प्रेम पूर्ण परम आनंदित भाव भक्ति करने की शक्ति किसमें होती है, जो ब्रज की बालाएं गोपियां हैं उन्होंने ये सीमा को प्राप्त किया, जो ये टारगेट है ना लक्ष्य प्रेम रस सीमा, उसको व्रज गोपियों ने मधुर वृंदा विपिन माधुरी प्रवेश चातुरी सार। जीवन का सार क्या है, इन ब्रज बालाओं को कॉपी करना, इनकी जीवन को चलाना। कॉपी करने का मतलब ये नहीं कि हम उनके जैसा गोपी ड्रेस पहनकर नाचने लग जाएं, वह कॉपी नहीं करना है, उसे सहजिया भाव कहते हैं। सहज रूप से कृष्ण को प्रेम करना, गोपी ड्रेस से कृष्ण प्रसन्न नहीं है ना, कृष्ण भाव से प्रसन्न। कॉपी करना यानी अनुगमन करना है उन गोपियों के रास्ते का, फॉलो करना है उसको। और एक लोग होते हैं खाली शरीर पर गोपी बन गए और गोपी बनकर कृष्ण कृष्ण कह रहे हैं, उसे कहते हैं कृष्ण को बड़ा सहज ले लिया, जो कृष्ण इतने ऊंचे हैं उनको इतना हल्का ले लिया कि गोपी ड्रेस से कृष्ण प्रसन्न हो जाएंगे और बरसाना में गोपी बन के घूमो। ठीक है उनका भाव होगा परंतु शास्त्रिक तरीका ठीक नहीं है कृष्ण को पाने का। तो कहते हैं वास्तव में तो वृंदा देवी के सर्वोच्च मधुर वन में प्रवेश करने के लिए व्रज की गोपियों की चातुर्यपूर्ण कुशलता का अत्यंत आवश्यक है। यानी कि वृंदावन प्रवेश भी करना है तो गोपी भाव से कर सकते हैं। गोपियां किस प्रकार कृष्ण की सेवा करती है सब कुछ भूल करके, हम वृंदावन जाते कभी सब कुछ भूल करके, मोबाइल ऑन रहता है, व्हाट्सएप मैसेज भेजते रहते हैं, घर में क्या चल रहा है एक वीडियो बना लूं एक ये मैं भेज दूं। व्रज गोपियों ने सब कुछ भूल गई हैं कृष्ण के लिए, सब भूल जाती हैं, यहां तक कि अपने छोटे छोटे शिशुओं को दूध पान करा रही है उनको बीच में छोड़ करके चली जाती है। पति खाना खा रहे हैं उनको रोटी दे रही हैं, वेणु बांधुरी बज गई कृष्ण की वेणु तो रोटी आदि छोड़कर चली गई। तो व्रज गोपियों का जो भाव है वैराग का उसको चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, वो जो अनुगमन करेंगे वो वृंदा विपिन माधुरी को प्रवेश कर सकते हैं, यानी वृंदावन प्रवेश कर सकते हैं। मधुर वृंदा विपिन माधुरी, वृंदा यानी वृंदावन, मधुर वृंदा ये वृंदा रानी तुलसी महारानी का वन, मधुर वृंदा विपिन माधुरी, विपिन यानी वो जंगल, उसकी जो माधुरी है माधुर रस प्रवेश चातुरी सार, उसमें ये जो गोपियां हैं ना उनकी चातुरी चाहिए, वह भाव चाहिए। आगे कहते हैं
गाओ गाओ पुनः गौरांगे रघुण सरल करिया मन ए भव सागरे ए मन दयाल न देखिया एक जन। तो कह रहे हैं गाओ गाओ पुनः गौरांगे रघुण। तो वसुघोष कह रहे हैं अगर तुम्हें राधा रानी को समझना है तो क्या गाओ, गौरांग के गुण गाओ, उनके यश को बढ़ाओ। बार 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 क्या बोलो, गौरांग 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 गौरांग। और अपने हृदय को ए भाव सागरे ए मन दयाल ना देखिए एक जन, अपने हृदय को निष्कपट बनाने का प्रयास करो। निष्कपट यानी सरल बनाने का प्रयास करो। एक्चुअली शब्द है सरल और सरल बनना है मुश्किल। बीइंग सिंपल इज डिफिकल्ट टास्क एंड बीइंग कॉम्प्लेक्स इज इजी टास्क बिकॉज एवरीबॉडी इज कॉम्प्लेक्स। हम सब कॉम्प्लेक्स्ड हैं लेकिन सरल होना कितना मुश्किल है। एक बच्चे को चांटा मार दो, थोड़ी देर बाद वो बच्चा फिर पिता की गोदी में आकर बैठ जाता है। लेकिन किसी भक्त को अगर कुछ बोल दिया, आप निंदा ना भी करो, केवल उसको डायरेक्शन दे रहे हो, वो इतना इगोस्टिक हो जाएगा छोड़ करके चला जाए, तुरंत आपका त्याग कर देगा और पलट कर नहीं आएगा। लेकिन यही है डिफिकल्ट कॉम्प्लेक्स और एक है बीइंग सिंपल। सिंपल व्यक्ति कहेगा कृष्ण सेवा में मुझे रात दिन लगे रहना, मैं छोड़कर नहीं जाऊंगा। लेकिन हम चले जाते हैं क्योंकि हम कॉम्प्लेक्स। तो कह रहे हैं निष्कपट। निष्कपटता मतलब है सरलता और सरलता का मतलब है सत्यनिष्ठा। सत्यनिष्ठा को शास्त्रों में कहा है आर्जवम। ब्राह्मण का एक गुण है आर्जवम। आर्जवम यानी सत्यनिष्ठ। सत्यनिष्ठ ट्रुथफुल ऑनेस्ट। सत्यनिष्ठ ऑनेस्ट ट्रुथफुल। असत्यनिष्ठ मतलब है सरल। सरल वही है जो सत्यनिष्ठ है। सत्यनिष्ठ यानी जो कृष्ण में निष्ठ है, कृष्णनिष्ठ है। क्योंकि सत्य कौन है? कृष्ण। इट्स सिंपल टू अंडरस्टैंड और डिफिकल्ट। आर्जवम मीन्स सत्यनिष्ठ। सत्यनिष्ठ मीन्स सरल। सत्यनिष्ठ मीन्स कृष्णनिष्ठ। एंड वन हु इज कृष्णनिष्ठ, कृष्ण में जो निष्ठ है वो सिंपल है। हम कृष्णनिष्ठ क्यों नहीं होते? क्योंकि हम सत्यनिष्ठ होते। हम कहते तो हम लोग सच बोलते हैं लेकिन हम अपनी सोचते हैं, हम कृष्ण की नहीं सोचते। क्या किसी व्यक्ति का ईगो कृष्ण भजन से ऊपर है, कृष्ण सेवा से ऊपर है? क्योंकि हम अपनी सोचते हैं इसलिए हम कृष्ण को नहीं चाहते, क्योंकि हम सत्यनिष्ठ नहीं है, इसलिए हम कपटी हैं। भगवान कह रहे हैं अगर तुम्हें राधा रानी की महिमा समझनी है निष्कपट होना होगा, फ्री फ्रॉम ऑल दी दिस फॉल्स ईगो, बीइंग सिंपल एंड यू कैन अचीव कृष्णा और श्रीमती राधा रानी। कहते हैं इस अज्ञानता रूपी सागर में किसी ऐसे व्यक्ति ने भी, किसी एक व्यक्ति ने भी उस उनके समान इतना अत्यंत उदार महापुरुष कभी नहीं देखा। जितने चेतन महाप्रभु हैं इतनी उदारता किसी ने नहीं देखी। आप प्रचार करने जाओ और किसी धोबी को बोलो कि भाई भजन करो, तो धोबी बोले अगर हम भजन करेंगे तो हमारे कपड़े तुम धोगे। तो महाप्रभु ने भी एक धोबी से कहा भाई तुम भजन करो। कहता है अगर हम भजन करेंगे तो हमारी घर कैसे चलेगा, पेट कैसे पालेंगे, नौकरी कैसे करेंगे, कपड़े तुम धोगे? तो भगवान चैतन्य जो स्वयं कृष्ण है, भक्त अवतारम, भक्त का अवतार लिया है भगवान ने, भक्त स्वरूप लिया है, तो भगवान कहते लाइए मैं कपड़े धो देता हूं, आप जप कर लीजिए। तो महाप्रभु उस नदी के तट पर बैठकर उस धोबी के कपड़े धो रहे हैं कि भाई तुम दो माला कर लो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। इसलिए वसुघोष कह रहे हैं ना देखिया एक जन, एक भी जन ऐसा उदार हमने अपने जीवन में नहीं देखा। ए भव सागरे ए मन दयाल, इतना दयालु ए मन दयाल, न देखिया एक जन, एक भी व्यक्ति नहीं देखा हमने जो दूसरे को काम करके भजन में लगाता। हम तो कहेंगे मेरा भजन हो जाए भाई, मेरा काम कोई और कर ले। दूसरे को भजन में लगाने के लिए उसका काम करना बहुत बड़ी दयालुता है। परिवार में ही अगर हम किसी को भजन में लगाना चाहें, कह लाइए आपके कपड़े हम धो देते हैं, आप जरा दो माला कर लो, ऐसे करेंगे? परिवार में भी नहीं करेंगे। अनेक अनजान लोगों की तो छोड़ ही दो। दूसरों के लिए जीवन जीना ये सरलता है। एक्चुअली सेल्फिश
अपनी इज्जत, अपनी प्रतिष्ठा, अपना मान, जब तक हमें इज्जत मिलेगी हम सेवा करेंगे, हम रहेंगे, हमारे को डांट लगा दी हम चले जाएंगे छोड़कर, कंपेरिजन्स करेंगे, कॉम्पिटिशन्स करेंगे, यूजलेस, वी कैन नेवर अचीव कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। और अंत में वसु घोष कहते हैं, आमी गौरांगा बोलिया नगे नो कालिया के मोनो धरी नो देहा, वासुरा हिया पाषाण दिया के मोनो गड़िया छे। यद्यपि मैं भगवान गौरांग के पवित्र नाम का जप उच्चारण करता हूं, फिर भी मैं प्रेमानंद भाव विकसित नहीं कर पाया अभी तक, कैसे मैंने इस शरीर के बोझ का पालन किया। यानी कि गौरांग महाप्रभु की शरण में आके भी अगर कोई नाम जपक नहीं बना, कृष्ण नाम जपना नहीं सीखा, तो फिर यानी कि वो व्यक्ति एक प्रकार से उसके हृदय में क्या है, कह रहे हैं, मैं वासुघोष कहते हैं, मैं सृष्टिकर्ता से कहना चाहता हूं, दिल की जगह पत्थर क्यों लगा दिया, दिल की जगह पत्थर क्यों लगा दिया, वासुरे हिया पाषाण दिया, हिया यानी हृदय, वासुए हिया पाषाण दिया, आपने एक पत्थर लगा दिया वहां पर। अरे सृष्टिकर्ता तुमने ये क्या किया, क्योंकि जो पत्थर जिसका हृदय है ना, वही ऐसी कपटता की बातें करेगा, ईगो रखेगा और जप नहीं करेगा, सेवा छोड़ेगा, लेकिन जो सच में भक्त होगा, जिसका सरल हृदय होगा, जो अपने गुरु का शरणागत होगा, जो अपने गुरु में कभी दोष नहीं देखेगा, ऐसे व्यक्ति कैसे छोड़ सकता है, ऐसा व्यक्ति कैसे नाम जप प्रेम से नहीं कर पाएगा। वसुघोष कह रहे हैं, वासु रे हिया पाषाण दिया किमोनो गढ़िया अच्छे, कैसा आपने गढ़ दिया ये मेरे लिए, सृष्टि बनाई आपने, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा को कह रहे हैं, तभी तो मैं प्रेम आनंद में भाव विकसित नहीं कर पा रहा हूं, मैं चैंट नहीं कर पा रहा हूं। तो एक बार हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज से एक भक्त ने बोला, आई थिंक शायद जना निवास प्रभु मायापुर के पुजारी ने बोला कि मेरा हृदय तो है ना पत्थर जैसा है, क्योंकि भगवान का भाव विकसित नहीं कर। अब देखिए दो भक्त कैसे दूसरे भक्त का गुणगान करते हैं, और एक भक्त अपनी कैसे निंदा करता है, अपने को कैसा नीच मानता है, नीचा मानता है। भक्त कहेगा मेरा हृदय पत्थर जैसा है, और दूसरा भक्त अगर ये बोले हाँ तेरा तो पत्थर ही है, तो सही मायने में ये सामने वाला भक्त नहीं है, क्योंकि वो उसकी दीनता को अपनी कपटता से उसकी नीचा नीचा मान रहा है। किसी की दीनता को ये नहीं मानना चाहिए कि सच में ये खराब खराब व्यक्ति है। अगर कृष्णदास कविराज लिख रहे हैं कि मौसम पतित, नहीं सॉरी नरोत्तमदास ठाकुर कह रहे हैं मौसम पतित प्रभु ना पाई प्यार, मुझसे ज्यादा पतित कोई नहीं मिलेगा, इसका मतलब क्या वो पतित है। अगर कृष्णदास कविराज जिन्होंने चैतन्य चैतामृत के रचना करी तीन खंड में, आदि लीला मध्य लीला अंत लीला, वो लिख रहे हैं जो मेरा नाम ले पाप कर्म होई, जो मेरा नाम लेगा उससे पाप हो जाएगा, तो हम कहें सच में कृष्णदास कविराज, अरे नहीं नाम नहीं लेना, चैतन्य चैतामृत में लिखा हुआ है जो मेरा नाम ले पाप कर्म होई, आपसे पाप हो जाएगा। अरे वो उनकी दीनता है, उनका नाम दिन में 10 बार लेना चाहिए, कृष्णदास कविराज कृष्णदास कविराज, हमें भी भक्ति का भाव आ जाए, जो मेरा नाम ले पाप कर्म होई, ये सच में लिखा है। तो कभी कभी कुछ शब्द हैं उनके अर्थ होते हैं ट्रांसलेशन, और इसीलिए उसमें एक भावार्थ होता है जिस अर्थ के साथ भावना जुड़ी होती है। तो श्रील प्रभुपाद जी की गीता जब तक किसी ने नहीं पढ़ी तो बदला क्यों नहीं, क्योंकि उसने श्लोक पढ़ा संस्कृत, बहुत सारे मिल जाएंगे संस्कृत पढ़ने वाले, ट्रांसलेशन पढ़े, लेकिन जो परपट है ना, तात्पर्य भावार्थ जिसे कहते हैं, उसमें भावनाएं जो है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट। आप सेंटेंस की भावना को कैच कर पाएंगे तो आपको भक्ति समझ में आएगी। गुरु ने कोई शब्द कहा, हो सकता है आपके करेक्शंस के लिए कहा हो, आप उससे निंदा ले लेंगे तो आप, इसका मतलब आपने भावार्थ नहीं लिया, आपने ट्रांसलेशन लिया। भावार्थ लेना है, यथारूप भावार्थ समझना है, इसमें भाव क्या है, क्या क्या शिक्षा है इसके प्रति। तो इसमें राधानाथ महाराज ने कहा, जब जननवास प्रभु जी ने कहा मेरा हृदय तो पत्थर जैसा है, मायापुर में रहकर भी भक्ति नहीं कर पा रहा हूं, कृष्ण प्रेम नहीं आ रहा है, पत्थर जैसा है, तो राधानाथ महाराज ने कैसे ग्लोरीफाई किया, उन्होंने कहा हाँ सच में आपका हृदय पत्थर जैसा है, लेकिन वो पत्थर कौन सा है, गिरिराज गोवर्धन का, है ना। ये हुआ भक्त की बात को काटा भी नहीं और भक्त को ग्लोरीफाई भी, ये होती कन्वर्सेशन वैष्णवों की। तो हम कन्वर्सेशंस करते हैं, या तो हम किसी की दीनता को यथारूप दीनता मान लेते हैं, अजय प्रभु जी कह रहे थे उनका मन माला में नहीं लग रहा आजकल,
तो चार भक्त बात करने लग जाएंगे, प्रभु जी सच में वो उनका प्रभु जी का ही नहीं लग रहा तो हमारा क्या, लगवाएंगे ग्रुप, छोड़ते हैं किसी और ग्रुप में चलते हैं। कह रहे थे मेरा मन माला में नहीं लगता, कह रहे थे 20 साल हो गए मुझे ही समझ नहीं आ रहा तो मैं क्या समझूं, कह रहे थे मुझे समझ में नहीं आ रहा तो सच में उनको समझ नहीं आ रहा होगा। यथारूप ट्रांसलेशन ले लेना। एक बार हिज होलीनेस राधा गोविंद स्वामी महाराज एक प्रवचन में कहा, और उस प्रवचन के बाद उन्होंने बोला, मान लो मेरे चार बच्चे हैं, प्रवचन के दौरान वो उदाहरण दे रहे थे। महाराज जी कहते हैं मैं घूम रहा था कॉरिडोर में और मैंने दो ब्रह्मचारी भक्तों को बात करते सुना। एक ब्रह्मचारी कह रहा था, अरे तुम तो कह रहे थे महाराज जी ब्रह्मचारी से सन्यासी बने, पर वो तो आज बता रहे थे कि उनके चार बच्चे थे वो गृहस्थी थे। कह रहे कब कहा उन्होंने, कहा उन्होंने कहा कि मान लो मेरे चार बच्चे हैं। अरे वो तो उदाहरण दे रहे थे कि मान लो मेरे चार बच्चे। अरे वो इतनी गंभीरता से बोले कि मान लो, तो हमने मान लिया उनके चार बच्चे। तो यथारूप शब्द को पकड़ना कि भावार्थ को पकड़ना, ये तो लोगों ने राधार महिमा को यथारूप में पकड़ लिया कि अरे भागवत में तो उनका नाम ही नहीं है, अरे गीता में तो उनका नाम ही नहीं है। भगवान कृष्ण की अंतरंगा हलादिनी शक्ति है श्रीमती राधा रानी। भगवान की तीन प्रमुख शक्ति है, संवित संधिनी अलादिनी। इसको ओवरऑल बोला जाता है अंतरंगा शक्ति, यानी कि एक बड़ा कैप्स्यूल अंतरंग शक्ति, इंटरनल एनर्जी, उसके तीन डिवीजन, संवित संधिनी अलादिनी अहलादिनी। संवित शक्ति को सत शक्ति भी कहते हैं, संधिनी शक्ति को चित शक्ति भी कहते हैं, और अलादिनी शक्ति को आनंद शक्ति भी कहते हैं। इसलिए कृष्ण को सत चित आनंद भी कहते हैं, क्योंकि उनके अंदर उनकी जो अंतरंग शक्ति है वो क्या है, सत चित। और सत क्या है, सत मतलब कृष्ण कभी समाप्त नहीं होते, मरते नहीं है। चित का मतलब है भगवान को सब चीज का ज्ञान है, और आनंद मतलब भगवान सदा आनंद में रहते हैं। अब किसी ने कल एक मैसेज भेजा ग्रुप में, उसमें लिखा भगवान कृष्ण का जन्म इतने हुआ, इतने ट्यूसडे को हुआ, इतने थर्सडे को डेथ हुई, इतने ये हुआ, उसमें नीचे आ रहे हैं इतना ज्यादा दुख तो किसी ने नहीं झेला जितना उन्होंने झेला। हाँ, कृष्ण की मृत्यु इस काल में हुई जरा के तेल में, एकदम फॉल्स है ये सब। आप डेट डेट को इतना ज्यादा, डेट और उसका तिथि को इतना पकड़ लिए कि भावना भावार्थी खत्म कर दिया आपने, कृष्ण की मृत्यु हो ही नहीं सकती। अब किसी ने मुझसे पूछा, अभी मैं गया था तो वहां पर हमारे से एक डिवोटी पूछ रहे थे कि भाई हमने तो सुना है जगन्नाथ जी का जो दिल है वो तो कृष्ण जब जल गए तो उनका दिल बचा और वो तैरता तैरता डेड बॉडी आई। उसमें किसी ने और अपना बुद्धि लगाई, उन्होंने कहा कृष्ण को तीर लगा था ना, तो तीर लगने से पूरी बॉडी क्या हो गई, ब्लू पड़ गई। तो जिसे ब्लू पड़ जाती जहर हो जाता है, उसको जलाते नहीं, तो उसकी उनकी बॉडी को डेड बॉडी को तैरा दिया गया पानी। तो तैरते तैरते वो लकड़ी बन गई, और लकड़ी बन करके कहाँ आई, जगन्नाथपुरी। मैंने कहा अच्छा, ये तो मैंने आपकी सारी बातें मान ली, अब आप ये बताइए कि जगन्नाथपुरी है बे ऑफ बंगाल के किनारे, और भगवान श्री कृष्ण ने संभालका तीर्थ गुजरात में अपने प्राण छोड़कर नित्य लीला प्रवेश किए, वो है अरेबियन सी के किनारे। अरेबियन सी में अगर मैं कोई चीज डालता हूं तो वो अरेबियन सी से अटलांटिक सागर की ओर या इंडियन ओशियन की ओर जाएगी, वो घूम के इंडियन ओशियन पार करके और बे ऑफ बंगाल जगन्नाथपुरी, ऐसे कौन सी बॉडी घूमेगी। बोले वो दिव्य है। मैं कहा इसमें तुम्हें दिव्यता दिख रही है, यहां दिव्यता दिख रही है, वो नित्य लीला में गए वो दिव्यता नहीं दिख रही। अब लीला हो गई। तो ये सब कॉन्कॉक्टेड जो है ना, तो बोले हम यही रूट नहीं समझ पा रहे थे। मैंने कहा रूट ये है कि भगवान कृष्ण यहां से नित्य लीला गए और यहां से उन्होंने लकड़ी के रूप में फिर अगेन अपना प्रकट किया विग्रह दारू भ्रम के रूप में। ये रूट है, ये रूट नहीं है कि अरेबियन सी से घूमते हुए बे ऑफ बंगाल जा रहे, डेड बॉडी तैरती हुई चली जा रही। और बोले वो जहर जो था वो पानी में डालने से क्या होता, निकल जाता और फिर जीवित हो गए, ये कहानियां। और जगन्नाथपुरी का पंडा बैठ करके बोल देगा तो लोग बोलेंगे अरे वीडियो देखा हमने, मिलियन 3.4 मिलियन व्यूज, अरे भक्त ने बोला है। आप कंसेप्ट बताओ ना, लॉजिक क्या है इसके पीछे, इलॉजिकल। भगवान कह रहे हैं कि भागवत में आ दग्धवा, मेरा शरीर जलाया नहीं जाता, गुजरात में एक स्थान बना रखा है कृष्ण का अंतिम संस्कार स्थली, आ दग्धवा ऐसी बोल गए कृष्ण उद्धव को, आ दग्धवा मेरा शरीर जलता नहीं। राम तो मर गए थे, राम ने तो समाधि ली थी पानी में, इतने दुखी हो गए थे कि पत्नी छूट गई और पत्नी को वो रावण के पास रहना पड़ा, इतनी दुखी हो गए कि उन्होंने जल समाधि ली।
कहां जल समाधि ली भगवान ने? अगर आप टीवी सीरियल भी देख लो रामानंद सागर का, जबकि उसमें 40% ही आपको समझ में आएंगे चीजें, लेकिन फिर भी रामानंद सागर कम से कम आदि पुरुष से तो बेहतर थे जिन्होंने पिक्चर राउत जी ने आदि पुरुष बना दी इतने साल पहले हमारे टाइम पे, बचपन में 83-84 में आती थी, 1983-84 रामायण। और उस रामायण में भी अंतिम एपिसोड अगर आप देखेंगे अभी भी, उसमें भगवान राम जल के अंदर जब प्रवेश करते हैं तो सारे अयोध्या वासियों को कहते हैं आइए मेरे साथ साकेत को चलें। तो भगवान अपना चतुर्भुज रूप सारे अयोध्या वासियों को दिखाते हैं और फिर उसके साथ सारे लोग भगवान के जल में प्रवेश होते रहते हैं और साथ में ऐसे दिखाया है ऐसे जाते हैं ऐसे निकलते हैं, ऐसे जाते हैं ऐसे साकेत। तो कहां मरे? जब राम ही नहीं मरे, अयोध्या वासी नहीं मरे, तो राम कैसे मर गए? बोले राम जी तो मर गए पानी में डूब करके, उन्होंने समाधि ले ली थी, सीता जी को निकाल दिया था क्योंकि रावण के साथ रहके, रावण के साथ जब गई वो बालकाल की लीला थी जब रामचंद्र जी 16 वर्ष के थे, और जब ये छूट करके आई उसके आने के 11,000 साल की लीला है रामचंद्र जी की, और 13,000 साल रामायण में लिखी है वाल्मीकि जी ने, और 11,000 वर्ष भागवत में लिखी, 11,000 वर्ष 13,000 वर्ष अगर उनकी लीला है, उसके अंत में भगवान राम ने समाधि ली, यानी 10,000 साल तक वेट करते रहे कि रावण के रह के आइए, मैं कब पढ़ूंगा, कब मरूंगा, कब मरूंगा, कब मरूंगा, फिर 11,000 साल बाद उन्होंने समाधि ली। तो ये कॉन्कॉक्टेड कहानियों पे, इसीलिए डिफरेंस बिटवीन अ कहानी एंड अ कथा, कथा मीन्स डीप इन टू दी स्क्रिप्चर्स। अब कई कई जगह जाते हैं लोग बोलते हैं अरे प्रभु जी आप 4-5 टॉपिक कवर नहीं करते, आप एक ही एक श्लोक पे इतने 3-3 घंटे भागवत कर देते हो, हमारा तो कवर ही नहीं हो पाया। आप कवर कराना तो किसी और को बुला लो जिनसे आपको कवर करवाना, वो ऐसा कवर करेगा कि आपको ही कवर कर देगा सारी भक्ति से, आच्छादित कर देगा पूरा, आप समझ ही नहीं पाओगे कि क्या था। इतनी भागवत सुन रहे हैं, इतने पंडाल प्रोग्राम हो रहे हैं, फिर भी समझ क्यों नहीं पा रहे कि कृष्ण कौन है, भक्ति कौन है, भगवान क्या है। हर जगह एक फॉर्मेट सेट है और जब समझाना चाहो समझते नहीं, फिर क्वेश्चंस पूछते हैं, तो ये बहुत डिफिकल्ट है। कोनो कोना भाग्यवान देखी बारे पाए, कौन भाग्यशाली होगा जिस पर कृष्ण की अनुग्रहता होगी वो देख लेगा। वो जैसे राम को नहीं समझे, जैसे कृष्ण को नहीं समझे, ऐसे फिर राधा रानी को नहीं समझते। एक व्यक्ति मुझसे पूछ रहा था कृष्ण का तो आपने बताया, राम का तो बताया, राधा रानी कैसे मरी? मैंने कहा पहले तो जाकर तुम अपनी जवान चेंज करवाओ, कहीं से अपनी टंग चेंज करवा के आओ जिससे तुमने इतनी गंदी जुबान से बोला कि कहां मरी। तुम्हारे घर की थी जो तुम मर गई हो, तुम पूछ रहे हो कहां मरी? तुमसे कुछ लेकर मर गई जो तुम्हारा, तुम पूछ रहे हो कहां मरी? अरे बोलो कैसे अप्रकट हुई? बोले वो भगवान थोड़ी थी तो तुम हो भगवान। राधा रानी की अप्रकट लीला पुराणों में वर्णन है, इस प्रकार से स्वर्ण विमान पर बैठकर स्व शरीर यथा रूप उन्होंने गोलोक में प्रवेश किया और कृष्ण से कहा पहले मैं जाऊंगी। राधा रानी आई कब? कृष्ण जब आए उनके 1 वर्ष बाद आई, और कृष्ण के इस धराधाम से नित्य लीला में प्रवेश करने से पहले राधा रानी अप्रकट हुई, कहा मैं जाकर गोलोक में सारा अरेंजमेंट करती हूँ, वापिस आएंगे आप तो फिर आपका स्वागत होगा। और उनकी जो गोपियां थी उन्होंने अपने अपने शरीर छोड़कर अपने दिव्य स्वरूप में सचेतन स्वरूप में उस विमान पर आरूढ़ हुई, और जब अलग अलग लोगों से वो गोपियां आई थी तो अलग अलग लोगों पर उतरती रही स्टॉपेज पर, और जो गोपियां गोलोक से आई थी राधा रानी के साथ वो गोलोक तक गए। ये वर्णन है सारा हमारे ब्रह्म वैवत पुराण में, लेकिन जिनके पास नॉलेज नहीं पढ़ नहीं रहे उनका, राधा रानी त्रिनी मनोकल्पित है, राधा रानी बना ली, कृष्ण भगवान का भजन करो। कृष्ण ने केवल कहा माम एकम शरणम ब्रजहा, केवल मेरी शरण में आओ, भगवान ने ये कहा माम और राधा नाम शरणम ब्रजहा ही कहा ऐसे तर्क वितर्क कर रहे। तो तर्को अप्रतिष्ठम कहते शास्त्र में, तर्को अप्रतिष्ठम ही भिन्नम, तर्क से भगवान को समझना बहुत मुश्किल है। शास्त्र है पढ़ लें, क्लियर आइडेंटिफिकेशन है, समझ में आ जाएगा। और हमारे गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत इतने प्योर हैं, उन्होंने तो बता दिया राधा भजन यदि मति नाय गेला, कृष्ण भजन अकारण गैला। तुम कितना कृष्ण कृष्ण जय श्री कृष्ण करोगे अगर राधा रानी को नहीं मानते हो, उनकी विग्रह नहीं है, उनकी आराधना। आप लोग लड्डू गोपाल ले आते हैं उसमें क्या प्रॉब्लम है? लड्डू गोपाल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेयर इज राधा रानी? बोले वो उन तो उनके अंतर ही है, अंतरंगा शक्ति, तो तुम अंतरंगा शक्ति के रूप में पूज रहे हो उनको। तो ये भगवान का सत जो करेक्टर है ना, सत शक्ति, उससे भगवान कभी मरते नहीं, चाहे राम रूप में हो चाहे स्वयं कृष्ण कृष्ण रूप में हो, और उनकी जो अंतरंगा शक्ति है वो कैसे मर सकती है? तो सत रूप में वो विराजमान है, चित रूप में उनको सबका ज्ञान है,
सब चीजों का ज्ञान, हर युग का ज्ञान है। भगवान ने अर्जुन को कहा, अर्जुन ना तुम वेथ्या परंतपा, लेकिन मुझे सारा कुछ पता है, ना तुम वेथ्या तुम नहीं जानते हो, लेकिन बहुनी में व्यतितानी जन्मानी ताच अर्जुन, हाँ अर्जुन मुझे बहुत जन्मों का मालूम। शिल प्रभुपाद जी कहते हैं जैसे पिता होता है, बच्चा जब छोटा होता है 6 महीने का, वो जो हरकतें करता है, टॉफी गिरा देगा उठा के मिट्टी की खा लेगा, और जब वो बड़ा इंजीनियर बन जाए तो माँ बाप बोले कि बेटा तू मिट्टी की टॉफी खाता था, कह रहे है मैं खाऊंगा, मैं आई फॉलो हाइजीन, कह रहे तेरा हाइजीन देखा था हमने। तो बच्चे को याद नहीं होता लेकिन माता पिता को याद है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं ऐसे ही कृष्ण को सबका याद है, हमने पिछले जन्मों में क्या क्या किया, तुम ये करते थे तुम ये करते, बहुनी में व्यतितानी जन्मानी तच अर्जुना, लेकिन न तुम व्यथ्या परंतु पद, हे वरंतप तुमको याद नहीं है, मुझे याद, आई रिमेम्बर एवरीथिंग। ये चित शक्ति है भगवान की, जैसे ही नोज एवरीथिंग, ये चित शक्ति है। और हलादनी आनंद शक्ति श्रीमती राधा। तो जहां कृष्ण वगैरह अगर अकेले भी हैं तो उनके अंदर अंतरंगा शक्ति के रूप में राधा रानी है ही है, लेकिन सिद्धांत क्या है, उस अंतरंगा शक्ति को भगवान अपने साक्षात सामने देखना चाहते, तभी तो राधा रानी के रूप में प्रकट किया। और फिर वो राधा रानी के भाव को लेकर जब चेतन महाप्रभु के रूप में आए तब वो समझे। जैसे एक टीचर स्कूल का समझाता है, स्टूडेंट समझता नहीं है, लेकिन वही स्टूडेंट जब टीचर बनता है तब वो समझता है कि मेरी मैडम या मेरे सर जो है ना बड़ी मुश्किल से कैसे पढ़ाते थे, हमें हैंडल करते थे, बड़ी टफ सेवा है। तो वैसे ही राधा रानी के भाव को जब कृष्ण ने लिया तब समझे कि राधा रानी की महिमा क्या है। और इसीलिए कह रहे हैं यदि गौर ना हई तो तबे की हुई तो केमोन धरित देह राधार महिमा प्रेम रस सीमा जगत जानते के। राधा रानी की उस प्रेम सीमा को, क्योंकि महाप्रभु आए उन्होंने अनुभव किया तब लोगों को बताया ये है राधा रानी, स्वयं कृष्ण ने बताया। वही कृष्ण फॉलोवर्स नॉट एक्सेप्टिंग राधा रानी, पैथेटिक, इतनी बेकार सिचुएशन है संसार की। गीता को मानते हैं हम, पुराण को नहीं मानते हम, भागवत को नहीं मानते हम। भागवत में कहा है राधा रानी, बोले नूनम आराधितो, जब भागवत श्लोक में आता नूनम आराधितो, आराधितो आराधी यानी पूजने योग्य जो गोपी है, आराधना योग्य जो गोपी है वो कौन है। और जब भी भगवान सुखदेव गोस्वामी गोपियों की बात कर रहे हैं तो उसमें एक बार बोलते हैं एक प्रमाणिक रूप से एक स्टैंडर्डाइज एक गोपी है, हेड ऑफ द गोपीज, कौन है वो गोपी, वो राधा नाम क्यों नहीं ले रहे हैं। बोले राधा नाम अगर वो ले लेते तो फिर भागवत के 11वां और 12वां स्कंद वो बोल ही नहीं पाते, परीक्षित को पूर्ण भागवत सुनाना था, क्योंकि राधा रानी के तोते हैं ना सुख, वो जानते राधा रानी का नाम आएगा मुझे राधा रानी का वीरह उत्पन्न हो जाएगा, रा बोल करके मेरी समाधि लग जाएगी, फिर आगे की भागवत रुक जाएगी, इसलिए वो नाम लेने की बजाय उसको इनडायरेक्टली बोल रहे हैं। जैसे आप किसी से बहुत प्रेम करते हो, आप कन्वर्सेशन में उसका नाम आ जाए तो आप इग्नोर करेंगे, इधर उधर देखेंगे, आप कहेंगे कि हाँ ठीक है कहीं होंगे जो भी, आई डोंट नो। बोले बताइए तो ये आजकल वो कहाँ हैं जिन्हें आप बड़ा प्रेम कर रहे थे। तो आप उस कन्वर्सेशन को स्किप करना चाहेंगे, बिकॉज अगर कन्वर्सेशन करेंगे या तो आप रोएंगे, या तो आप दुखी होंगे, या तो आप गुस्सा करेंगे, कुछ ना कुछ तो इरिटेट होंगे। तो उस राधा रानी के, राधा रानी का तोता जो उनको मिस कर रहा है ना सुखदेव, वो उस चर्चा को लाना ही नहीं चाह रहे हैं। चर्चा परीक्षित पूछ भी रहे हैं फिर कौन सी गोपी सर्वश्रेष्ठ है, नूनम आराधितो, नूनम आराधितो, वो आराधना योग्य गोपी है, बस इतना बोल करके छोड़ दिए। वो बोल दिए भागवत में राधा रानी नहीं तो गोपी कौन है, कौन है गोपी, राधा रानी से बड़ी कोई गोपी हुई है, कौन सी गोपी का नाम बताओ फिर, गोपी कौन है वो, अष्ट सखी बताओ, किसकी अष्ट सखी, राधा रानी की। तो इस संसार को राधा रानी बतानी चाहिए हमें, ऐसे लेक्चर्स ऐसे वीडियोस हजारों हजारों और करोड़ों लोगों को भेजने चाहिए, अंडरस्टैंड राधा रानी, हु इज राधा रानी, विदाउट राधा रानी हम समझ, हाँ हमारे गौड़ीय वैष्णवों का तो, इस्कॉन फॉलोवर्स का तो राधा रानी इज द प्राइम अधिष्ठात्री देवी है, उनके द्वारा ही हम चैतन्य महाप्रभु को समझ पाएंगे, और चैतन्य महाप्रभु इज राधा रानी ओनली, कृष्णा इन द भाव ऑफ राधा रानी। ओके, हरे कृष्णा, श्रीमती राधा रानी की जय।